जय हिंद दोस्तों। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड जो स्मॉल कैप का स्टॉक है और 442 नंबर पे रैंक करता है, इस स्टॉक के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले एक अपडेट, और अपडेट है ये 13 मई 2021 हमने इन्फोसिस के स्टॉक के ऊपर स्टडी की थी, वीडियो नंबर 434, एंड उसमें हमें क्लियरली देखने मिल रहा था कि 1379 के ऊपर तेज़ी बनती है स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक जो है 1440 और 1510 के आसपास जा सकता है। मैंने यहाँ पे गलती से 1140 भी लिख दिया था, तो मैंने उसे फिर करेक्ट भी किया था, एक वीडियो के थ्रू बता भी दिया था करेक्शन को। तो 1440 1510 इसके आसपास स्टॉक जा सकता है, एंड प्रेजेंटली जो है स्टॉक 1510 जो रेंज का हायर एंड था उसके ऊपर ही काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो है आगे स्टॉक में क्या करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और वो है ये, मैंने यहाँ पे आईबुल रियल एस्टेट का चार्ट सेट करके रखा है। मैं जल्दी से इन्फोसिस का चार्ट लगा देता हूँ, एंड मैं आपको जो है लेवल्स बता देता हूँ आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एंड इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना उस पर ध्यान रखना है ये। और ये मैंने चार्ट कन्वर्ट कर दिया है डेली बेसिस पे, और अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और वो है ये जिस तरह से, जिस स्पीड से ऊपर गया है ना स्टॉक, प्रेजेंटली आपको करना क्या है, ये जो रेंज है ना जिस तरह से स्टॉक ऊपर निकला है वहाँ पर हाइस्ट क्लोजिंग क्या है आप देख लीजिए, 22 जून 2021, जी हाँ 1511 की हाइस्ट क्लोजिंग थी अब तक की, एंड उसके ऊपर स्टॉक का बंद होना ज़रूरी है। अब तक स्टॉक बंद नहीं हुआ है, अभी स्टॉक जो है 1530-35 के यहाँ काम कर रहा है बट बंद नहीं हुआ है अभी तक। सो 1511 का एक स्टॉप लॉस आप लगाइए, इसके नीचे स्टॉक फिसलता है तो निकल जाइए, गिरावट हो सकती है और, बट 1511 के ऊपर बंद होता है तो बने रहिए और ऊपर के लेवल्स आने आएंगे और आपको देखने मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे आईबी रियल का चार्ट सेट कर देता हूँ जिसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, एंड ये है चार्ट सेट, और अभी जो है हम स्टडी शुरू करते हैं। एंड मार्केट कैप 5300 करोड़ का, स्टॉक की पीई 1234, 52 वीक लो 46 एंड 52 वीक हाई 126। आप सभी लोगों से मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, एक आपके एंड से मुझे कन्फर्मेशन चाहिएगा, क्या यहाँ पे जो पी लिखी है वो सही है 1234, बिकॉज पहली बार आएगा इसमें चार डिजिट में किसी स्टॉक की पीई को देख रहा हूँ। ओके, अब हम क्वार्टरली नंबर्स पे जाएंगे और क्वार्टरली नंबर्स को चेक करेंगे, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है स्टॉक के बारे में वो मेजॉरिटी चीज़ें यहीं पे होती हैं, एंड इसी के बेसिस पे स्टॉक में सारा एक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, कौन सी चार चीज़ वो आपको बता दूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस, एंड हम पिछले चार क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, दैट इज जून जून सितंबर दिसंबर एंड मार्च 2021। तो शुरुआत करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, जून 2020 में था -53, फिर सितंबर 2020 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है अराउंड 12 करोड़ का -41, फिर यहाँ पे पूरी तरह से टर्न अराउंड नंबर हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव 129 करोड़ का नंबर दिसंबर 2020 में, एंड इसी नंबर में छोटी सी और इंप्रूवमेंट मार्च 2021 में 145 करोड़ का नंबर पोस्ट किया। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स -91 करोड़ जून में, फिर इंप्रूवमेंट -78 करोड़ सितंबर में, फिर थ्री डिजिट फिगर पॉजिटिव नंबर 108 दिसंबर में, एंड 136 करोड़ का नंबर मार्च 2021 में कंपनी ने पोस्ट किया। आगे बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट -95 करोड़ जून में, फिर इंप्रूवमेंट -76 सितंबर में, पॉजिटिव नंबर 81 दिसंबर में, एंड 94 करोड़ का नंबर नेट प्रॉफिट का मार्च 2021 में। लास्ट ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, -2 की ईपीएस जून 2020, फिर -1.67 सितंबर, पॉजिटिव 1.77 दिसंबर, एंड 2.08 की पॉजिटिव ईपीएस मार्च 2021 में। नंबर्स में क्लियरली देखने मिल रहा है कि कंपनी पिछले चार क्वार्टर्स के अगर हम नंबर देखें तो हर क्वार्टर में धीरे धीरे करके नंबर्स जो है इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड ये कंपनी के लिए बढ़िया बात है। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, बोरिंग सेक्शन को देखेंगे, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, और कर्ज यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में कितना था 2737, एंड अभी मार्च 2021 में सिर्फ 1075 करोड़ का कर्ज रह गया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे देखिए, मार्च 2017 में हाईएस्ट कर्ज था 9400 का, जो हर साल यहाँ पे कम होते जा रहा है। जी हाँ, हर साल कर्ज जो है कम होते जा रहा है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है स्टॉक के बारे में, इसे भूलना मना है, इसे नोट कर लीजिए। और एसेट्स कंपनी के पास 8750 करोड़ के, और मार्केट कैप कितना है आप देख लीजिए, 5300 करोड़ का, उसके सामने 1000 करोड़ का कर्ज, एंड मार्केट कैप 8700, बढ़िया बात। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स अराउंड 12%, विदेशी संस्था है 15.9%, घरेलू संस्था है 1.8%, और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 69 यानी 70% के आसपास, अदर्स के पास 0.69%। अगर प्रमोटर्स को देखें तो ऑलमोस्ट 24% से 12 हो गया आधा, एंड विदेशी संस्थाओं का इंटरेस्ट देखिए ऑलमोस्ट 9.39 से 15.9 हो गया है, एंड पब्लिक को भी स्टॉक में बराबर से इंटरेस्ट आ गया है, दैट इज 66 से लेके 70 हो गया है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स को अगर हम गिने तो हमें क्या देखने मिला है,
हर क्वार्टर में कंपनी बढ़िया तरीके से इम्प्रूव हो रही है, कंपनी का कर्ज कम हो रहा है, एसेट्स भी ठीक ठाक है 8,700 करोड़ के, एंड विदेशी संस्थाओं का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, एंड पब्लिक को भी यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस स्टॉक में। अब हम जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पर, उसके पहले एक अपडेट, और वो है ये, अगर इक्विटी मार्केट्स में आप ऑपरेट कर रहे हो एंड अगर आप अपना अकाउंट मतलब दूसरे किसी ब्रोकर के पास खोलने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप मार्केट में नए हो, इक्विटी मार्केट्स में अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हो, तो आप अपना अकाउंट 5paisa.com के साथ खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे 20 रुपीज़ फ्लैट फीस देनी है, वो ऑर्डर किसी भी वैल्यू का हो या किसी भी सेगमेंट का हो, 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर वो आपको चार्ज करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, अगर उस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको 250 रुपीज़ की क्रेडिट मिल जाएगी, और पहले महीने के लिए जो ब्रोकरेज आपको चुकानी है वो होगी शून्य। अभी हम जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे और समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में और एक चीज़ बता दूँ, एक ऐसा भी टाइम था ये जो स्टॉक था ना, इसका भाव होता था 850 रुपये। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे पूरा चार्ट एक बार दिखा देता हूँ। 850 रुपये स्टॉक का भाव चलता था एक समय पे, और वो भाव कब था, दैट वाज इन दिसंबर, माफ़ कीजिएगा, जनवरी 2008। 850 रुपये का स्टॉक आज हमें कितने में मिल रहा है, वो है सिर्फ 120 रुपये में। एंड कंपनी जो है यहाँ पे पूरी तरह से दिख रही है, किस तरह से टर्न अराउंड हो रही है वो नंबर्स के माध्यम से हमें क्लियरली देखने मिला है। एंड यहाँ पर देखिए, ये पिछले कुछ 3-4 महीनों का चार्ट है, मार्च महीने से अब तक, एंड यहाँ पर स्टॉक कर क्या रहा है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, स्टॉक ने यहाँ पे अपने कर्व पैटर्न को एग्जैक्टली कंप्लीट किया, यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे अपनी कर्व पैटर्न को स्टॉक ने कंप्लीट किया, यहाँ पे इसको हमने कर दिया सेट। नेक्स्ट स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे एक नए ट्रेंड की शुरुआत की, देख लीजिए एक नए ट्रेंड की शुरुआत की, एंड स्टॉक धीरे धीरे जो है ऊपर ही निकल रहा है यहाँ पे अभी, इसी का सपोर्ट लेके। और यहाँ पे साथ में ना स्टॉक ने यहाँ पे अपनी और एक कर्व पैटर्न को कंप्लीट कर दिया इसके अंदर, ये देख लीजिए अपनी कर्व पैटर्न को जो है कंप्लीट कर दिया। एंड ये जो कर्व है इसका कलर मैं बदल देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो हमें, एंड इसको मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ। ओके, थिक कर दिया। नाउ यहाँ पे हमें देखने के मतलब स्टॉक अभी काम कर रहा है 120-121 रुपये के आसपास, एंड ये जो ग्रीन लाइन है अगर उसको हम फॉलो करें तो पिछली बार भी स्टॉक यहीं से रिजेक्शन मिला था स्टॉक को। ओके, तो यहाँ पर स्टॉक की जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो क्या थी, और वहाँ पर मैं एक बेसिक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और वो थी ये 120.1। जी हाँ, 120 रुपये 10 पैसे स्टॉक की एक हाईएस्ट क्लोजिंग का लेवल है, एंड उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 120 रुपये 10 पैसे। ओके, यहाँ पर देखिए किस तरह से स्टॉक रिजेक्ट हो गया था यहाँ पे आने के बाद, 2 दिन यहाँ काम किया था, उसके ऊपर गया था, मतलब क्लोजिंग सिर्फ एक ही बार मिली, एंड यहाँ पर भी देखिए ज़रा सा आने की कोशिश की, रिजेक्ट हो गया, एंड यहाँ फिर से स्टॉक फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। नाउ नेक्स्ट तेज़ी कब बनेगी स्टॉक में, तेज़ी तब बनेगी जब 120.1 के ऊपर स्टॉक बंद होगा, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन, इसे मैंने कर दिया ग्रीन एंड यहाँ पे सेटल कर दिया। अब 120.1 की क्लोजिंग अगर मिलती है स्टॉक में इसके ऊपर निकलता है तो किस रेंज में स्टॉक सेटल हो सकता है, स्टॉक सेटल हो सकता है यहाँ पे 126 से लेके 132, इस रेंज में स्टॉक कहीं पे जाके सेटल हो सकता है। ओके, एंड अगर गिरावट होती है मार्केट में तो जिन लेवल के आसपास आप स्टॉक को खरीदना कंसिडर कर सकते हैं वो है ये, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। सबसे पहले जो लेवल है वो है ये 105, एंड नेक्स्ट इज 95, एंड मैं यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल जो बदलाव आए हैं स्टॉक में आपने हमने हमें क्लियरली देखने मिला है किस स्पीड से हर क्वार्टर में कंपनी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही है। और एक चीज़, अगर आपके पोजीशन बनाने के बाद नॉट ओनली दिस स्टॉक, किसी भी स्टॉक में अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आना शुरू हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस जो है उसको ऊपर की तरफ मतलब रिवाइज करते रहेगा, ट्रेल करते रहेगा, बिकॉज जो पैसे आपने कमाए हैं, गेंस आपको मिले हैं, उसको गंवाना नहीं है। जी हाँ, उसको आपको गंवाना नहीं है, इस बात पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है बिल्कुल ही बेसिक, सिंपल, सरल और सिंप्लीफाइड मैनर में एनालिसिस आई बोल रियल एस्टेट स्टॉक के बारे में, जो एक समय पर 850 रुपये के आसपास काम कर रहा था, आज 120-122 के आसपास काम कर रहा है। 120.1 एक हाईएस्ट क्लोजिंग का लेवल है जो यहाँ पर हमें मिली थी, अगर उसके ऊपर स्टॉक बंद होता है तो नई तेज़ी की शुरुआत हम मान सकते हैं, एंड तब स्टॉक 126-132 इस रेंज में कहीं जाके सेटल हो सकता है। और मार्केट में गिरावट होती है, वॉलीटिलिटी बढ़ती है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने मिलती है, एंड लंबी अवधि का नज़रिया है तो 105-95 इस रेंज के आसपास आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं या फ्रेश बाइंग करना कंसिडर
कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है तो। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।